हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आज आप प्रगति मीडिया में। मैं पंडित अजयकर शास्त्री आज चर्चा करेंगे मैं पितृपक्ष के बारे में। महाल्यारंभ जो 15 सितंबर 2019 से ही प्रारंभ होगा, प्रथम दिवस रहेगा पितृपक्ष होगा। तो पितृपक्ष में कैसे अपने पितरों का करें श्राद्ध तर्पण तथा पितृतिथि के दिन क्या क्या करनी चाहिए, पितृपक्ष में किस प्रकार पारो श्राद्ध किया जाता है, इसकी मैं जानकारी बताऊंगा आप सबको। प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष जब प्रारंभ होता है उसके पहले तिथि के पूर्व ही चौल कर्म यानी मुंडन संस्कार इत्यादि कर लेनी चाहिए और करने के बाद पितृ तीर्थ हो जिस स्थान में पितृ यानी गया तीर्थ जैसे नदी जलाशय हो उस तीर्थों पे जाना चाहिए। जिस क्षेत्र में नदी जलाशय ना हो उस क्षेत्र में अपने घर के बाहर ही एक कोई बड़े थाली या परात में जल को इकट्ठा करके और पितृ का तर्पण करनी चाहिए। पितृ तर्पण का विधान यह है कि पहले देव तर्पण करना चाहिए, देव तर्पण पूर्वाभिमुख होकर करनी चाहिए, देव तर्पणों के बाद ऋषि तर्पण करने चाहिए, ऋषि तर्पण के बाद पितृ तर्पण। पितृ तर्पण प्रिय दर्शकों दक्षिणाभिमुख दक्षिण के तरफ मुख करके और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसका विधानता यही है कि जिस दिन जैसे किसी का मृत्यु हो जाता है उस तिथि के दिन ब्राह्मण को बुला के पारोण श्राद्ध करानी चाहिए। पारोण श्राद्ध अपने तीर्थ नजदीकी तीर्थ या नदी जलाशय हो वृक्ष हो वट वृक्ष हो वहां करानी चाहिए। जिस स्थानों पे जलाशय इत्यादि ना हो उस स्थान पे अपने गौशालाएं गौशाले में करनी चाहिए, गौशाला ना हो तो घर के बाहर कराना चाहिए तथा उस दिन ब्राह्मणों को बुला के ब्राह्मण को भोजन करानी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दान करनी चाहिए। जिस प्रिय दर्शकों जैसे मान लीजिए किसके पिताजी हैं उनके माताजी नहीं हैं, चाहे जिनके माताजी हैं उनके पिताजी नहीं हैं, दोनों लोग हैं उनके भाई नहीं हैं, तो उसका पुत्र का या पिता का भी अधिकार बनता है कि मैं अपने पुत्र का पारोण श्राद्ध कर सकूं। और सबसे बड़ा विधानता यह है कि गया श्राद्ध पितृ श्राद्ध के लिए सबसे पुण्य श्राद्ध।